Hello everyone, welcome to Sai Commerce Academy. My name is Ramakant. I hope कि आप सब अच्छे होंगे. तो friends, जैसा कि आपको पता है कि हमने paper 1 and paper 2 commerce के लिए mock test series start कर रखी है. friend, यदि आप हमारे channel पर नए हैं और हमारे video पहली बार देख रहे हैं तो please हमारे channel को subscribe कर लीजिए और bell icon को press कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले हर video के notification आपको सबसे पहले मिले और आपकी preparation और भी जोरों शोरों से हो. तो फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे प्रीवियस 7 लेक्चर नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं. आज हमारा डे 8 है, ठीक है फ्रेंड. आज हम बात करेंगे 71 से लेके 80 तक, ठीक है फ्रेंड. उससे पहले 70 क्वेश्चन आ चुके हैं. तो आइए फ्रेंड, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आइए फ्रेंड, 71 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म ऑफ, यानी कि शिक्षण की प्रभावशीलता को इसके संदर्भ में आंका जाना चाहिए. क्या दिया? ए है कोर्स कवरेज, ठीक है. बी है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, यानी कि छात्रों की रुचि. सी दिया लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों के सीखने के परिणाम. डी दिया यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम, यानी कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग. तो फ्रेंड, काफ़ी इजी क्वेश्चन है. वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए. आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा. आइए फ्रेंड, मैं अपना आंसर देता हूँ. 71 का आंसर है सी, ठीक है फ्रेंड. क्या कहा इन्होंने? इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म ऑफ, यानी कि शिक्षण की प्रभावशीलता को इसके संदर्भ में आंका जा सकता है, यानी कि उसकी इफेक्टिवनेस को जाना जा सकता है. किस चीज़ से जाना जा सकता है? लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, छात्रों के सीखने के परिणाम से, ठीक है फ्रेंड, यानी लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 72 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड. ये एसर्शन रीजन से क्वेश्चन है. एसर्शन क्या दिया? लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि सीखना एक लंबी प्रक्रिया है, ठीक है फ्रेंड. जैसे कि आपको पता है कि लर्निंग जो है कभी भी ख़त्म नहीं होती, चाहे बुढ़ापे में क्यों ना आ जाए, बूढ़े क्यों ना हो जाए, ठीक है फ्रेंड. बुढ़ापे तक आदमी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीखता ही रहता है. रीज़न क्या दिया? लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ प्रोसेस, यानी कि उपयोगी होने के लिए सीखना जीवन प्रक्रियाओं से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, लाइफ से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, तभी अच्छी तरह से समझ में आ सकता है. अच्छा, इन्होंने क्या दिया? कोर्स दे रखे हैं. ए दिया बोथ ए और आर आर ट्रू, ठीक है, यानी ए और आर दोनों सही हैं, बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, यानी कि आर उसका सही विवरण देता है, सही एक्सप्लेनेशन देता है. बी क्या दिया इन्होंने? बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है फ्रेंड, समझ गए होंगे आप. सी दिया ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. डी दिया ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. तो फ्रेंड, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए. आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा. आइए फ्रेंड, मैं अपना आंसर देता हूँ. 72 का आंसर है बी. क्या है? ए और आर दोनों सही हैं बट आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है फ्रेंड. आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 73 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव, यानी किस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम और सक्रिय बनाया जाता है? क्या दिया? ए दिया डिस्कशन मेथड, ये मेथड्स हैं, ठीक है फ्रेंड. बी दिया बज सेशन मेथड, ठीक है. सी दिया ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन मेथड. डी दिया प्रोजेक्ट मेथड. तो फ्रेंड, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए. आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा. आइए फ्रेंड, मैं अपना आंसर देता हूँ. 73 का आंसर है ए, डिस्कशन मेथड. आई होप कि आपने भी यही लगाया हो, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है? इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव, यानी कि सक्रिय रहते हैं, ठीक है, यानी किस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम और सक्रिय बनाया जाता है, एक्टिव माना जाता है. डिस्कशन करेगा तभी तो एक्टिव माना जाएगा, यानी सर ने कोई क्वेश्चन किया, ठीक है, उसका आंसर स्टूडेंट ने दिया, या स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछा सर से तो सर ने उसका आंसर दिया, यानी कि इंटरेक्ट हो रहा है, नहीं है डिस्कशन में. इसीलिए स्टूडेंट जो है, लर्नर जो है, वो एक्टिव रहता है, ठीक है फ्रेंड. आई होप क्या वो क्लियर हुआ होगा.
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 74 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वन इज द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द, यानी कि शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली कारकों में से एक से संबंधित है। ए दिया इन्होंने सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, यानी कि देश की सामाजिक व्यवस्था, ध्यान से पढ़िएगा। बी दिया इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, यानी कि समाज की आर्थिक स्थिति। सी दिया प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था को रोकना। डी दिया एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है, यानी कि शैक्षणिक प्रणाली। तो फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ। 74 का आंसर है डी, एजुकेशनल सिस्टम, है ना, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है फ्रेंड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 75 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फ्रेंड वैसे हिंदी में ही लेकर आया हूँ क्योंकि हिंदी वालों को भी ये इंग्लिश में ही याद करना जरूरी है, ठीक है। ये मुझे लगता है आपको पता ही होगा, तो काफ़ी जाना माना नाम हो गया ये। क्या है मूक्स स्टैंड फॉर? तो फ्रेंड ए दिया इन्होंने मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स, बी दिया मैसाचुसेट्स ओपन ऑनलाइन कोर्स, सी दिया मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स और डी दिया मैरेंट ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ। 75 का आंसर है सी, ठीक है फ्रेंड, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। फ्रेंड आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता तो ध्यान रख लीजिए, ठीक है फ्रेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 76 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एसर्टेन, ठीक है, यानी नैदानिक मूल्यांकन का पता लगाता है। ए दिया स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्देशों की शुरुआत में छात्रों का प्रदर्शन। बी दिया लर्निंग प्रोग्रेस एंड फेलियर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्देशों के दौरान प्रगति और असफलता सीखना। सी दिया डिग्री ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द एंड, यानी कि अंत में निर्देशों की उपलब्धियों की डिग्री। डी दिया कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्याओं के कारण और उपचार। तो फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ। 76 का आंसर है डी, यानी कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है फ्रेंड, यानी निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्याओं के कारण और उपचार। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 77 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू, यानी कि शिक्षण के दौरान छात्रों की अधिकतम भागीदारी संभव है। ए दिया लेक्चर मेथड, यानी कि व्याख्यान विधि। बी दिया डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि प्रदर्शन विधि। सी दिया इंडक्टिव मेथड, यानी कि आगमनात्मक विधि। डी दिया टेक्स्ट बुक मेथड, यानी कि पाठ्यपुस्तक विधि। तो फ्रेंड देखिए कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइप के। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रहता है स्टूडेंट का कौन से मेथड में। तो फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ। 77 का आंसर है सी, इंडक्टिव मेथड, आगमनात्मक विधि। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 78 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये इवैल्यूएशन सिस्टम से आ गया, ठीक है फ्रेंड, वो मेथड से था, इवैल्यूएशन से आ गया। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं, ध्यान से पढ़िएगा। ए दिया इन्होंने इट इंक्रीजेज द वर्कलोड ऑन स्टूडेंट्स बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट, ठीक है, यानी कि यह कई परीक्षाएं देकर छात्रों पर काम का बोझ बढ़ाता है। दूसरी क्या कहा, इट रिप्लेसेस मार्क्स विद ग्रेड्स, यानी कि यह ग्रेड के साथ अंक बदलता है। सी दिया इट इवेल्यूएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि यह छात्र के हर पहलू यानी कि हर एस्पेक्ट का मूल्यांकन करता है। डी दिया इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया, यानी कि
यह परीक्षा भय को कम करने में मदद करता है, ठीक है, परीक्षा के डर को कम करता है। फ्रेंड कोड आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। ए है ए बी सी एंड डी, बी दिया बी एंड डी, सी दिया ए बी सी, डी दिया बी सी डी। तो फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर बताता हूँ। 78 का आंसर है डी, यानि कि बी सी और डी, ठीक है फ्रेंड। यानि कि प्लेसेस मार्क्स विद ग्रेड्स, सी है इट इवेल्यूट एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स, डी है इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया, है ना। ए नहीं है, ए में क्या कहा कि यह है कई परीक्षाएं देकर छात्रों पर काम का बोझ बढ़ाता है ना, ऐसा नहीं है। तो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन करेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए, बी सी डी, ठीक है फ्रेंड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 79 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग, ठीक है, अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है। ए दिया डायग्नोसिस, बी दिया रेमेडी, सी दिया डायरेक्शन और डी दिया फीडबैक, है ना। कोड आपकी स्क्रीन पर है। ए है ए बी सी डी, बी है ए एंड बी, सी है बी सी डी और डी है सी एंड डी। तो फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ। 79 का आंसर है ए, ए बी सी एंड डी, यानी कि डायग्नोसिस निदान, बी रेमेडी यानी कि उपाय, सी डायरेक्शन यानी कि दिशा और डी ए फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया। ये चारों ही हैं गुड टीचिंग के लिए, ठीक है फ्रेंड, चारों ही आवश्यक हैं। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन आज का 80 क्वेश्चन। द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ, यानी कि शिक्षण सहायक उपकरण का उपयोग के आधार पर उचित है, ठीक है फ्रेंड। ए दिया अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम में छात्र का स्टूडेंट का ध्यान आकर्षित करना, ठीक है। बी दिया मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम, यानी कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्याओं को कम करना। सी दिया ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन। डी दिया इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क, यानी सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। तो फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अपना आंसर दीजिए। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ। 80 का आंसर है डी, इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क, यानी कि सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी, है ना। यानी कि शिक्षण सहायक उपकरण का जो टीचिंग एड्स हैं का उपयोग जो यूजेज है के आधार पर उचित है, किन के आधार पर, जब बच्चा कुछ सीखेगा, सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी यानी कि इफेक्टिवनेस बनाने के लिए उसकी लर्निंग को, है ना। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हमें मालूम पड़े कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।